हाय फ्रेंड्स, मैं उर्मिला, आपका स्वागत है मेरी चैनल किचन कार्निवल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं लसोड़े का अचार, इसे गुंदे का अचार भी कहा जाता है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और साल भर अच्छा रहता है, तो आप कभी भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आम और लसोड़े का मिक्स अचार बना रही हूँ। तो आप जब भी खाना है तो बड़ी बोतल में से छोटी बोतल में थोड़ा ट्रांसफ़र करके जब भी खाना चाहे खा लें। बड़ी बोतल से निकालें तो एक फ्रेश चम्मच यूज़ करें, कोई भी यूज़ किया हुआ चम्मच या गीला चम्मच मत डालें, वरना अचार ख़राब हो जाएगा। और एक लास्ट में मैं आपको एक अच्छी टिप्स दूंगी जिससे आपका अचार जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। सबसे पहले मैंने आधा किलो का एक आम लिया है, ये इसके छिलके निकाल लेंगे पहले। अब ये छिलके निकाल लिए हैं और इसे अच्छे से धो लेंगे और इसे अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। बड़ी छोटी कौन सी भी छलनी में आप इसे ग्रेट कर सकते हैं। ये ग्रेट करके मेरा रेडी हो गया है। अब हम इसमें नमक और हल्दी पाउडर डाल के मिक्स कर देंगे। हाथों से इसे अच्छे से मसल के मिक्स कर लेंगे। नमक डालने से इसमें जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर है, एक्स्ट्रा पानी है, वो निकल जाएगा। ऐसे इसे अच्छे से मिक्स करके आप ढक के रख दीजिए 2 से 3 घंटे के लिए। अब ये मैंने लसोड़े ले लिए हैं, आधा किलो लसोड़े लिए हैं, आधा किलो आम और आधा किलो गुंदा मिक्स करके अचार बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने इसे धो के कॉटन के कपड़े से अच्छे से साफ़ कर देंगे, ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा डर्ट है वो निकल जाए। अब तब तक हम अचार का मसाला रेडी कर लेते हैं। ये 1 बड़ा कप मैंने पीली सरसों के दाने लिए हैं। ये 1/4 कप मेथी के दाने भी लिए हैं। ये जैसे मैं दिखा रही हूँ ऐसे साइड से स्प्रेड करना है, तो यह मसाले अच्छे से मिक्स हो गए। ये 1 सौंफ ली है, 1 बड़ा चम्मच, इसको भी ऐसे फैला के डाल देंगे। हींग ली है 1 छोटी चम्मच। नमक लिए हैं 2 बड़ा चम्मच। और लाल मिर्च पाउडर लिया है 1/2 कप। आप चाहे तो कम ज़्यादा तीखा अपने हिसाब से कर सकते हैं। और ये हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे 1 चम्मच। और ये 1/4 कप तेल गरम करके मैंने ठंडा करने को पहले से ही रख दिया था, वह हल्का तेल गरम है तभी हम इसमें डाल देंगे। और अभी ये परात को ढक देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि मसाले का स्मेल उसमें अच्छे से आ जाए। अब 5 मिनट बाद यह मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये रेडीमेड मसाला भी मिलता है, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको मसाला का भी रेसिपी साथ में दिखा दी है। तो देखिए, घर पर भी आप ऐसे परफेक्ट तरीके से ये अचार का मसाला बना सकते हैं। ऐसे ही इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। लाल मिर्च पाउडर कम लगे तो एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा अचार का मसाला तैयार हो गया है। अभी
और ये लसोड़े मैंने लिए हैं जो धो के रखे थे। डंठल तोड़ना है, देखिए आसानी से निकल जाता है, ऐसे ही मैंने सारे निकाल दिए हैं। ऐसे हल्का हाथ से प्रेस करेंगे तो ये अपने आप निकल जाएगा और इसमें जो बी है वो हमें निकाल देना है। ऐसे ही मैंने सारे लसोड़े के बी निकाल दिए हैं और ये अचार का मसाला भी तैयार हो गया है, वह इसमें फिल कर देंगे। यह जो गुंदे हैं वह उसमें हमें पूरा नहीं भरना है, आधा मसाला ही भरना है, आधा छोड़ना है खाली। ऐसे करके मैंने सब लसोड़े भर लिए हैं। अब जो अचार का मसाला है थोड़ा बचा हुआ, उसमें यह जो आम कद्दूकस किया हुआ था हल्दी नमक पानी वाला, उसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है इसे दबा के हम निकाल लेंगे और जो बाकी का अचार मसाला बचा हुआ है उसमें हम ऐड कर देंगे। और ये जो निकालने के बाद ये जो हल्दी नमक वाला पानी बचता है इसे भी आप स्ट्रेनर से गाल के फिर एक बॉटल में भर के फ्रिज में रख देंगे तो एक दूसरा कोई अचार बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो मिक्स किया हुआ है यह मसाला हम अच्छे से मिला देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए ताकि आम में भी ये मसाले चढ़ जाए। अब जो लसोड़े में आधा मसाला हमने भरा था उसमें यह मसाला भर के हमें पूरा भर के दबाना है। आधा अचार का मसाला और आधा आम का मिक्स किया हुआ अचार वाला मसाला। ऐसे ही करके हम सारे लसोड़े को भर देंगे। ये मेरे सारे रेडी हो गए हैं, इसे मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है। इसमें मैं 2 बड़े चम्मच तेल डाल रही हूँ और इसे ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला इसमें से निकले ना और रसोड़े में ही चिपका रहे। अब कांच का बॉटल लिया है जिसमें हमें अचार भरना है। तो मैं बता रही थी एक टिप्स कि ये जो विनेगर रहता है आप इसे विनेगर में थोड़ा सा कॉटन का कपड़ा डुबा दीजिए और ऐसे बॉटल में चारों ओर हल्का सा फैला दीजिए तो यह अचार जल्दी ख़राब नहीं होगा। ये एक ख़ास टिप्स है अचार ज़्यादा लंबे समय तक स्टोर करने के लिए। अब ये बॉटल में सबसे पहले नीचे हम जो लसोड़े तैयार किए थे भर के वो ऐड कर देंगे। धीरे धीरे करके सारे लसोड़े फिल कर देंगे। देखिए अच्छा सा एक लेयर बन गया है इसका। और इसके ऊपर जो बचा हुआ अचार का मसाला है वह भी भर देंगे। अच्छे से चारों ओर स्प्रेड करते जाएं। और धीरे से हल्का इसे दबा लें और ये जो इसकी साइड्स है वो भी अच्छे कपड़े से पोंछ लीजिए और इसका ढक्कन बंद करके 24 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें। ये देखिए ऐसा एक लेयर इसका बन गया है। ऐसे ही बंद करके इसमें अभी ये टाइम पे कुछ ऐड नहीं करना है और 24 घंटे के लिए ऐसे ही हम इसे रख देंगे। 24 घंटे बाद इसमें मैंने तेल लिया है, गरम करके इसको एकदम आधा घंटे के लिए ठंडा कर दिया है। देखिए पहले ये बर्तन बहुत ही गर्म था, अब मैं इसे छू सकती हूँ और तेल भी एकदम ठंडा हो गया है।
वह तेल हम इसमें डालेंगे अचार में। यह तेल का क्वांटिटी कितना रहेगा तो यह अचार जब तक डूब जाए उतना तेल हमें ऐड करना है। देखिए मसाले के ऊपर तक थोड़ा तेल आ गया है, इतना तेल बराबर है। अब एक सूखा चम्मच लेंगे, थोड़ा भी इसमें पानी वानी नहीं रहना चाहिए, और अच्छे से अचार को एक बार मिक्स कर लेंगे। अब यह अचार 6 से 7 दिन के बाद खाने में उपयोग में ले सकते हैं। तो तैयार है हमारे लसोड़े का अचार। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।